जबलपुर जिले की कई तहसीलों में लाखों किसानों के दिन फिरने वाले हैं। किसानों की बरसों पुरानी मांग जुलाई तक पूरी हो जाएगी और अगले रबी सीजन के दौरान सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे की भजनलाल सरकार अगले सीजन में धौलपुर के लाखों किसानों की बरसों पुरानी आस पूरी कर देगी। वर्ष 2018 में शुरू हुई धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना के तहत जल संसाधन विभाग अगले रबी सीजन तक 256 गांवों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवा देगा। इससे करीब 4.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अब तक चंबल के नजदीक होने के बाद भी किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अगले रबी सीजन से किसान को अपनी मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। वहीं 117 गांवों को पेयजल भी उपलब्ध होगा, जिसके लिए जलदाय विभाग खाका तैयार कर रहा है। अन्नदाता के आएंगे अच्छे दिन। 39,980 हेक्टेयर में हो सकेगी स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई। जल संसाधन विभाग जुलाई 2025 तक पूरा कर लेगा काम। चंबल का पानी लिफ्ट कर किसानों को मिलेगा सिंचाई का पानी। किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा करीब 92.50 MQM पानी। करीब 117 गांव में पेयजल के लिए मिलेगा 10.28 MQM पानी। परियोजना में 1621 किलोमीटर के दायरे में बिछाई जा रही लाइनें, इनमें से 1481 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। सिंचाई और पेयजल से करीब 4.5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। धौलपुर तहसील के 65, मनिया के 83, राजाखेड़ा के 83 गांव और सैपौ तहसील के 25 गांवों को सिंचाई का पानी दिया जा सकेगा। धौलपुर जिले की 4 तहसीलों में सिंचाई और पेयजल के पानी का इंतजाम करने के लिए पिछले 7 साल से लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना चल रही है, जिसका काम अगले साल जुलाई तक पूरा होगा और पानी लिफ्ट करने के लिए राजाखेड़ा के पास बनाया गया 295 MCFT क्षमता का रिजर्व वाटर भर जाएगा। सिंचाई और पेयजल के लिए चंबल के पानी को लिफ्ट किया जाना है। योजना के तहत डिग्गी निर्माण की अप्रोच रोड के लिए धौलपुर के 17 गांवों की भूमि अवाप्त होगी। किस गांव से कितनी भूमि अवाप्त होगी? आदर्श नगर 1953 वर्ग मीटर, रूपसपुर 759 वर्ग मीटर, ओडेला 470 वर्ग मीटर, अलेपुरा 742 वर्ग मीटर, काजीपुरा 680 वर्ग मीटर, दूबरा 960 वर्ग मीटर, सरकनखेड़ा 570 वर्ग मीटर, लुहारी 1770 वर्ग मीटर, डोगरपुर 310 वर्ग मीटर, सादिकपुर 3990 वर्ग मीटर, तगावली 380 वर्ग मीटर, सांडा 390 वर्ग मीटर, भैसेना का पुरा 420 वर्ग मीटर, सलेमपुर 760 वर्ग मीटर, कासिमपुर 2270 वर्ग मीटर, बहादुरपुर 1200 वर्ग मीटर, सिंघावली गांव की 270 वर्ग मीटर भूमि अवाप्त होगी। कुल अवाप्त की जाने वाली भूमि, निजी भूमि 17,894 वर्ग मीटर, सरकारी भूमि 2,610 वर्ग मीटर। धौलपुर की 4 तहसीलों के 256 गांवों को सिंचाई का पानी देने के लिए 108 डिग्गियों का निर्माण होना है। इसमें 56 का काम चल रहा है और बाकी तैयार होनी है। इन डिग्गियों के निर्माण के तहत तैयार होने वाली अप्रोच रोड के लिए जल संसाधन विभाग करीब 20,000 वर्ग मीटर भूमि अवाप्त करेगा। धौलपुर की 4 तहसीलों की बरसों पुरानी आस भजनलाल सरकार अगले साल पूरा कर देगी। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का काम जुलाई 2025 में पूरा होगा और अगले रबी सीजन से यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में किसानों को सिंचाई का पूरा पानी मिल पाएगा। बड़ी बात यह रहेगी कि 3 लाख किसानों को सिंचाई का पानी देने के अलावा करीब 1.5 लाख लोगों को पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब अगले रबी सीजन पर आस रहेगी कि किसानों को सिंचाई का पूरा पानी मिलेगा तो फसल को कितना लाभ मिल पाता है। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।